बहुत छोटी सी बिल्डिंग। यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स तो देखिए, हमने प्राइमरी की रोल नंबर को बना दिया है, ठीक है, हमने एक कोड लिखा जिसके माध्यम से हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब ये MySQL वर्कबेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब प्राइमरी की बन जाएगा तो रोल नंबर 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1 दोबारा नहीं आएगा। हम यहाँ पर 1 फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और लिख भी पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और नाम रोहन लिख देते हैं, तो ये देखिए ये अलग अलग हम नाम लिखते जा रहे हैं और ये चल भी रहा है, तो फिर तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। एक्सेस में प्राइमरी की अलग हो जाएगा, MySQL वर्कबेंच पे प्राइमरी की अलग हो जाएगा, MySQL कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पे प्राइमरी की अलग हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बनती है, तो डोंट वरी। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या इस कोड को आप अप्लाई, मतलब जो आपने लिखा क्या इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस करिएगा। और जैसे ही यस करिएगा ना, तो ये देखिए ये जो है कोड है उसका, ये कोड अपने आप आ जाता है। और फिर यहां से जब अप्लाई करिएगा तो लीजिए देयर वाज एन एरर वैल्यू अप्लाइंग द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डेटाबेस। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है एरर 1062 डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट्स प्राइमरी, यानी कि ये प्राइमरी की है। देखिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो कहीं पर भी जाइएगा, चाहे यूएस में रहिए, चाहे इंडिया में रहिए, चाहे किसी भी डेटाबेस को यूज कीजिए, प्राइमरी की का तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। आई होप की बात समझ में आई होगी।